शिवसेना नेता और राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब के घर में सुबह से ईडी ने छापेमारी शुरू की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये उनका स्थायी निवास है, यहाँ पर वो रहते हैं। और सरकारी निवास जो है मुंबई में स्थित है, वहां पर भी छापेमारी सुबह से शुरू है। यहाँ पर छापेमारी सुबह 7 या 8 बजे से करीबन शुरू है, जिस वजह से यहाँ पे जो पुलिस का बंदोबस्त है यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ा दी गई है, और मीडिया कर्मी भी यहाँ पे मौजूद है। हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ ऐसे करीबन 7 ठिकाने हैं 7 जगह हैं जो कि पुणे और मुंबई में स्थित हैं। कथित दापोली रिजॉर्ट के मनी लॉन्ड्री के मामले में आरोप में उनके घर पे आज छापेमारी चल रही है, सुबह से ये बताया गया है। और जिस वजह से बांद्रा में जो उनका स्थायी निवास है, यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस का बंदोबस्त है बढ़ा दिया गया है, और जो उनका सरकारी निवास है वहां पर भी फिलहाल अब जो है छापेमारी शुरू है। देखना ये होगा कि इस कथित आरोप में क्या निकल कर आता है। ईडी ने जो छापेमारी शुरू की है कब तक चलती है, और जो 7 ठिकान है वो जहाँ पे छापेमारी चल रही है वो कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन गजानन के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।